शुभ इतने क्या, हे भगवान ये पहले बताला, ये भी जल गया है, किस्मत में खाना ही नहीं है, ये भी जल गया। राधे राधे आप सभी को, स्वागत है आप सबका अभी मेरी इवनिंग ब्लॉग में। इवनिंग ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, शाम के बज रहे 7:30 और अभी मेरी होगी है पूजा। भगवान को कर लिया मैंने जय जय। शुभांगी ने यहाँ पे सारा गंध फैला दिया है, इसको जितनी बार मना करूँगी उतनी बार ये फैलाती है, सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इसने बिखेर दिया है, तो ये हमेशा से तो ऐसा ही रहेगा, चलता रहेगा। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ शुभू के लिए इवनिंग का स्नैक्स, जो सूजी और आलू का मिक्स करके स्टीम के साथ मैं बनाऊंगी, जो मैंने यूट्यूब में देखा था, तो वो बनाती हूँ। और इसके पापा गए हैं बाहर, वो आने वाले हैं, जल्दी आएंगे तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं, वो भी खा लेंगे। और साथ में बनाऊंगी मैं कड़क अदरक वाली चाय। मैं किचन में आएगी, मेरी बिटिया मेरे मदद कराने के लिए आ गई, इसको चोट लग जाएगी इसलिए मैं ये हटा रही हूँ। इसको चाहिए कि मैं आऊँ किचन में और उधर का काम कंप्लीट होने के बाद ये सोच रही है अब यहाँ पे कैसे मैं खिलारा डालूँ, तो फटाफट आगे इनको इसको मैं देती नहीं हूँ, ये हटा देती हूँ क्योंकि इसको लग सकती है इससे। और यहाँ पे मैंने सूजी तैयार कर दी है, मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं, अभी इनको सस्टेन कर लेती हूँ जब तक ये मेरी शुभांगी मेरे को बनाने देगी नहीं, बहुत तंग करेगी, फिर भी मैं इसके लिए फटाफट बनाती हूँ। शुभ जल्दी जाओ बेटा, मम्मा कुछ बनाए। तो आप लोगों को पता है बच्चे के साथ इतनी दिक्कत होती है ना खाना बनाने में, स्पेशली जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना ऐसे ही आगे पीछे नहीं आएगी, जब मैं किचन में आऊँगी तो साथ में पीछे पीछे आएगी और सारे चम्मच जितने भी सारे चम्मच है ड्रॉस के सब निकाल के फेंकेगी, पता नहीं क्या उसको मिलता है, उसको मज़ा आता होगा। चलो अब मैं फटाफट उसके लिए बनाती हूँ। तो गाइस जैसा मैं सोच रही थी वैसा नहीं बनेगा ये, क्योंकि जो इसके लड्डू है ना जो मैंने गोल गोल बनाने थे वो इसलिए नहीं बन रहे, आलू ज़्यादा गल गए हैं और सूजी में पानी ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं इनको जैसे पकोड़े की तरह होता, पहले मैं सोच रही थी स्टीम वाला बनाऊंगी जो शुभू के लिए बहुत हेल्दी होगा, बट अब मुझे ऑयल में बनाना पड़ रहा, रीज़न ये है कि ये बहुत स्टिकी सा हो गया है, गोल गोल लड्डू बन नहीं रहे, बट एनी हाउ मैं उसको मतलब थोड़ा ही दूंगी, बाकी हमारे लिए भी हो जाएगा, क्या करें, मेरे साथ ऐसा होता हमेशा। देखो स्टिकी सा हो गया है बहुत, मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं तेल डाल के फटाफट इसको बनाती हूँ। ऐसा नहीं है लड्डू बन रहे हैं गोल गोल, मैं इनको थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मैं शुभू के लिए 2-3 तो स्टीम वाले बना ही दूँ, क्योंकि थोड़े स्टिकी तो हो रखे गाइस। तो कुछ मैं ऑयल में बनाने वाली हूँ, कुछ मैं स्टीम करके, तो देखते हैं। तक देखती हूँ शुभांगी क्या करे। शुभ शुभ हे भगवान, शुभ इतने क्या, हे भगवान हे शुभ, क्या बोलूं अब इसको, इसने सारा क्रीम खिड़ा दिया, सारा पूरा नाश पड़ दिया भगवान। बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया आपने, इतना अच्छा किया ना, क्या बोलूं, मम्मी का दिल खुश कर दिया आपने। तो गाइस ब्लॉग रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता, वो भी अकेले, इतना इसने क्रीम ना सी पूरा डब्बा खाली कर दिया है, इसने पूरा डब्बा ये खाली कर दिया है, ये देखिए सारी क्रीम खत्म हो गई, सारी बिल्कुल ही नाम नहीं बची इसमें। क्या मैं करूं, ऐसा बच्चा है ना शरारती, ये बोलते हैं कि बच्चे हमने भी पाले हैं, अरे आजकल के बच्चे पाल के दिखाओ तब पता लगेगा आपको कि बच्चे क्या होते। पहले बताला ये भी जल गया है, किस्मत में खाना ही नहीं है, ये भी जल गया। अब आप आके हिसाब किताब लिखने लगे, आपकी बेटी ने इतने कांड किए, ये देखो ये बदमाश लड़की, अब ये पापा क्या लेके, आम लेके आए पापा, दिखाऊं आपको वीडियो की इसने कितना गंद पाया है, ऊपर से मैं इसके लिए चीजी बना रही थी वो भी जल गया। हाँ तो गाइस दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, दिमाग का दही हो गया, मैं कसम से बताऊं, मैं हंसूं रोऊं या सैड हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय आप सभी को, ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूं, क्योंकि मेरे से ना अब शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना, वो जला हुआ मैं निकालूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा।